सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए वन ब्लॉक का वर्ल्ड डाउनलोड कर सकते हो, वो भी इजीली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी डाउनलोड करना है तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, एंड यार वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिल जाएंगे, एक होगा ZRC चीवर का, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, एंड दूसरा लिंक होगा वन ब्लॉक का। तो दोनों को आपको डाउनलोड करने के बाद आपको ZRC चीवर एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो गाइस, ZRC चीवर को ओपन करने के बाद आपको वन ब्लॉक की फाइल पे क्लिक करना है, एंड इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इसे एक्सट्रैक्ट हियर कर लेना है। यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो यार पासवर्ड वीडियो को आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, वीडियो को इसलिए पूरा देखना। तो गाइस, ये हो जाने के बाद आपके पास एक ऐसा फाइल ओपन हो जाएगा, इस फोल्डर पे आपको क्लिक करना है, एंड इसके बाद इसको आपको कट या कॉपी कर लेना है डिवाइस मेमोरी में। के बाद यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड का फोल्डर दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, डाटा पे जाना है, यहाँ पर आपको माइनक्राफ्ट का डाटा ढूंढ लेना है। यहाँ पर आपको गेम्स के फोल्डर में जाके कॉम मोजैक में जाकर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स में इसको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन बटन पे क्लिक करना है, ये पेस्ट हो जाएगा। तो गाइस, अब आपको माइनक्राफ्ट को ओपन करना है और वहाँ पे एक सेटिंग करना है। अगर आप वो सेटिंग नहीं करते हो तो आपका वर्ल्ड नहीं चलने वाला, तो इसलिए उस सेटिंग को लाजमी देखना। तो गाइस, माइनक्राफ्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड इसको आपको एक्सटर्नल में कर देना है अगर आपका एप्लीकेशन में है तो। इसके बाद आपका वर्ल्ड चल जाएगा। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।